और एक बड़ी खबर आ रही है, विकिलीक्स वेबसाइट के संस्थापक जूलियन असांजे आखिरकार ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। अमेरिका से समझौते के बाद असांजे की रिहाई हुई है। सोमवार रात जारी अदालती दस्तावेजों के अनुसार जूलियन असांजे अमेरिकी अदालत में अपनी आजादी के बदले में सैन्य रहस्यों को उजागर करने का दोष स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और इस वजह से उनका वर्षों पुराना जो कानूनी ड्रामा है वो खत्म हो गया। असांजे पर राष्ट्रीय रक्षा जानकारी प्राप्त करने और प्रसारित करने का भी आरोप है। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के खुलासों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी, और वे लंबे समय तक ब्रिटेन में दूतावास में रह रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें जेल शिफ्ट किया गया था और अब उनको आगे चल करके रिहाई का रास्ता मिल सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मुल्क में हो रही मॉब लिंचिंग पर आखिरकार अपनी गलती मान ली है। साथ ही ये भी कहा कि इससे उनकी इमेज दुनिया भर में खराब हो रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के गरीबान पर काला धब्बा हैं। अभी कुछ दिन पहले ये तस्वीरें सामने आई थी जहां ईश निंदा के आरोप में एक गैर मुस्लिम शख्स को भीड़ ने जिंदा जला दिया था। अब इस घटना के चार दिन बाद जाकर सरकार की आंखें खुली हैं और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इन्हें समझ तो आया कि आखिर ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में मजहब के नाम पर खून बहाने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में 1994 से लेकर 2022 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो ईश निंदा के 94 आरोपियों की भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया है।